क्या तुम सच में जागे हुए हो? हर सुबह तुम अपनी आंखें खोलते हो, उठाते हो, अपने दिनचर्या शुरू करते हो, ये तो एक बात है, लेकिन वास्तव में जागृत होना बिल्कुल अलग है। दिन में किसी भी समय अपनी आंखें बंद करना और तुम पाओगे कि भीतर कितने सपने और कल्पनाओं की अंतरधारा है। एक हैवी ट्रैफिक विचारों का भीतर चल रहा है। तथाकथित जागृत अवस्था में रहने वाले लोग वास्तव में जागे हुए नहीं होते, वे अभी भी सपने देख रहे होते हैं, बस उनकी आंखें खुली होती हैं। वे यांत्रिक रूप से व्यवहार करते हैं। हाँ, वे दैनिक कार्यों में कुशल होते हैं क्योंकि वे इसे करने के आदि हो चुके होते हैं। मन का एक रोबोट जैसा हिस्सा होता है। एक बार जब तुम किसी चीज़ को करना सीख लेते हो तो वह मन के रोबोट भाग में परिवर्तित हो जाता है, फिर ये तुम्हारे जागरूक हुए बिना उसे करता रहता है। ये प्रोग्राम किया गया है और ये एक बात है जिसे गहराई से समझे जाना चाहिए। हम सभी प्रोग्राम किए गए हैं, समाज द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा, सभी प्रकार के विचारकों द्वारा प्रोग्राम किया गया है। बचपन से ही तुम्हारे सर में एक निश्चित प्रोग्राम डाला गया है और तुम उस प्रोग्राम का अनुसरण कर रहे हो। इसी को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। और हर किसी में वो सॉफ्टवेयर है, वो रोबोट इंस्टॉल्ड है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ एक बुद्ध पुरुष, एक जागा हुआ व्यक्ति इस सॉफ्टवेयर से, इस प्रोग्रामिंग से बाहर हो गया है, वो मुक्त है। तुम्हारे तथाकथित जागृत अवस्था यांत्रिक आदतों से भरी हुई है। तुम बस उन्हें दोहराते रहते हो और हर पीढ़ी अपनी यांत्रिक आदतों को नई पीढ़ी को देती रहती है। इसलिए प्रगति इतनी असंभव लगती है क्योंकि माता पिता अपने बच्चों पर अपने प्रोग्रामिंग की छाप लगाते रहते हैं और वह प्रोग्रामिंग सदियों से, शायद हजारों साल पुरानी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग कह लीजिए या कंडीशनिंग या संस्कार या प्रारब्ध, एक ही बात है। ये जागृत अवस्था एक वास्तविक जागृत अवस्था नहीं है। वास्तविक जागृत अवस्था केवल तभी होती है जब तुम पूरी तरह से डीप्रोग्राम हो गए हो, इस सॉफ्टवेयर से बाहर आ गए हो। वास्तविक जागरूकता का अर्थ है अपने आप को उन सभी पूर्ण धारणाओं और प्रोग्रामिंग से मुक्त करना जिन्होंने हमें बांध रखा है। यह एक गहन आत्मखोज की यात्रा है, सही मायनों में जागृत रहना सिखाती है और हमें अपने जीवन को जैसे हम जीना चाहते हैं उसके लिए प्रेरित करती है। प्रणाम।